राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विलेज लाइफ सीमा में। और शाम के 5 बज चुके हैं। आपके कुछ कमेंट्स के जवाब देने थे, क्योंकि कई दिन से ऐसे कमेंट आ रहे थे जिनका रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल था। लगा लो कि रिप्लाई में समझ में भी ना आए और रिप्लाई बड़ा हो जाए, तो इसके लिए हमने सोचा एक आपके लिए वीडियो बनाई जाए। तो भाई अलग से ये वीडियो बना रहे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि कमेंट में इतना लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर वो बात अच्छे से समझ में भी नहीं आती, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो में कमेंट के जो आपसे पहले मुझे आप लोगों से बहुत बड़ी शिकायत है, क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ कई दिनों से कि आप लोग हमारे वीडियो पे बिल्कुल भी लाइक और कमेंट नहीं कर रहे। और सच में देखो, वैसे तो आदमी की मर्जी होती है भाई कौन करे ना करे, लेकिन ईमानदारी से बताना भाई कौन है जो पहले लाइक कमेंट करता था, वीडियो पे बिल्कुल भी लाइक कमेंट नहीं कर रहे हो। बिल्कुल भी लाइक कमेंट नहीं हो रहे हमारे वीडियो पे अब, पता नहीं किस रीजन से। हाँ, अगर आपके पास रीजन है तो आप लोग रीजन भी बता सकते हो साथ में, क्योंकि कारण का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं है कि भाई अब मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ भाई बाकी सब जगह पे हो रहा है उनका, लेकिन हमारे चैनल पे नहीं। मुझे नहीं पता क्या रीजन है इस बात के पीछे, लेकिन अच्छा नहीं लगता ऐसे। जो लोग खासकर से हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोग हैं और दोनों फोन में, दो फोन में लगा लो, तीन फोन में लगा लो, और लाइक भी नहीं आ रहे उतने दो हमारे तो, है ना। व्हाट्सएप पे सारा दिन ये रहता है, दीदी प्लीज कॉल, दीदी प्लीज कॉल, दीदी प्लीज वीडियो कॉल करो, दीदी प्लीज मैसेज, ये वो, बहुत सारा का पूरा पूरा दिन। और कुछ लोगों के साथ करते भी हैं, कुछ भी ना भी कर पाते हैं। तो अब वो लोग एक भी मतलब ऐसा नहीं है भी जो कमेंट कर रहा हो वीडियो पे, ठीक है ना। तो आप लोग, मैं इतने लोगों को टाइम नहीं दे सकती कि बिहार आदमी को, और कारण भी यही है जो व्हाट्सएप पे लोग जुड़े हुए हैं ना, जो अब लाइक कमेंट नहीं कर रहे, उनका कारण भी यही है कि हम नंबर दे करके पछता रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई हमें सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पे हमें विश करें, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड नून, और हमारे हर उसका रिप्लाई हो, हमारे हर स्टेटस पे उनका कुछ ना कुछ रिप्लाई आए। तो ऐसा देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज आप नंबर किसी भी ब्लॉगर का ना लें, मेरा नहीं, किसी का भी ना लें, क्योंकि कोई भी ब्लॉगर के लिए ये बात बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि उसके साथ हजारों लोग जुड़ जाते हैं, तो हजारों लोगों का रिप्लाई मेरे हिसाब से कोई भी नहीं कर पाएगा। बाकी रिप्लाई हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हाँ, हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि ये भी दूसरा जो फोन है हमारा, उस फोन पे भी हर रोज ये करते होंगे मेरे हिसाब से, रात में रिप्लाई लगभग, हाँ, जब भी टाइम मिलता है उसी टाइम कर देते हैं। उस फोन को हम डेली में जरूर चेक करते हैं रात के टाइम पे, लेकिन नहीं दोपहर को भी, जैसे जब भी टाइम लगता है रिप्लाई आपका मिल जाता। हाँ, कॉल नहीं उठा पाते कई बार कि आपकी आती ही वीडियो कॉल है। अब वीडियो कॉल आदमी क्या पता क्या काम कर रहा हो भाई। प्लीज ऐसा ना करें, कमेंट लाइक किया करो, या फिर ये होता है भाई हमारे वीडियो में ड्रामे नहीं होते, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो जैसी देख रही हूँ भाई, वीडियो में कुछ नहीं होता लेकिन ऊपर कुछ ऐसा लिख दिया टाइटल पे, थंबनेल पे, या फिर कुछ ऐसे ही बना चढ़ा के बात, मतलब ऐसे ही बात बनाई बैठ करके बात कर, उन वीडियो पे लाइक आ रहे हैं। और हम अपना रूटीन दिखाते हैं, काम दिखाते हैं, अपना ईमानदारी से काम करें, और हमारे वीडियो को लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, हद की बात तो ये है। बाकी क्या बता भाई, ड्रामा देखने में ज्यादा मजा आता है भाई, वो भी बता देना आपको ड्रामा देखने में मजा आता है क्या। तो हम वो भी शुरू करते हैं। हम तो अपने सिर्फ व्यूवर्स के लिए भाई, क्योंकि हम उनकी रिस्पेक्ट इतनी करते हैं भाई, हमें ये लगता है कि हमारी इस बात से किसी भी व्यूअर्स को मतलब वो ना पूछे कि भाई हम ऊपर कुछ लिख दें, अंदर कुछ नहीं है, उससे क्या होगा भाई, देखने वालों को थोड़ा सा हार्ट होता है भाई, क्योंकि देखो हम प्यार करते हैं इन्हीं की वजह से हम सब हैं, अगर इन्हीं के साथ हम ऐसा धोखा करेंगे तो गलत बात है, ठीक है। और सिर्फ व्यूअर्स के लिए ही हम ना तो कभी ऐसा कोई गंदा मंदा टाइटल डालते हैं, ना ही हम कोई ऐसी चीज वीडियो में दिखाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे जो सब्सक्राइबर है ना, वो भी बहुत मतलब जैसे हम है ना वही, वैसे ही हमें देखने वाले हैं, और इसी करके हमारे सब्सक्राइबर की संख्या कम है। जैसे कोई स्पेशल वीडियो है भाई, उसको शेयर कर दिया करो, जैसे अब रंगीला पे वीडियो आ रही है ना, वो हम सबकी है, वो मेरी अकेले की नहीं है, वो हम सबकी है, हमारा हरियाणवी कल्चर है पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उन वीडियो को शेयर कर दिया करो। और उनमें वीडियो क्या है ना, कई वीडियो तो 50-50 हजार, लाख लाख भी चल रही है, हमारा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है भाई, वो जो रंगीला हरियाणा, लेकिन उसपे लाइक पता है कितने होते हैं, 500-600 कहाँ पे, 50-60, वो भी उस वीडियो पे जो 1 लाख से, जो 1 लाख चली गई, जो 20-30 हजार वीडियो है ना, उसके तो 50-60 लाइक है, हद की बात है।
तो क्या जाता है आप लोगों का लाइक करने में? रंगीला हरियाणा चैनल तो का नाम है। आप ना लाइक कर दिया करो भाई, बार बार कहलवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जो आप लोग मेरे से इतनी बातें करते हो, आते हो जाते हो एक दूसरे के घर पे, वो लोग भी कमेंट लाइक नहीं कर रहे वीडियो पे, कमाल है। तो देखो दिखावे से दूर रहे और दिल से रिश्ते निभाए, ठीक है ना। तो वही अब मैं आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई करने वाली हूँ। पहले तो आप ही करते हो कि मास्टर जी क्या पढ़ाते हैं और कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं, फिर मैं अपने जो बात मेरे से पूछ रखी है उनके रिप्लाई। देखो जी, मैं अब 9th से प्लस 2 क्लास को पढ़ाता हूँ फिजिकल एजुकेशन। पहले मैं मैथ पढ़ाता था और हिंदी SST लगा लो, कोई भी काम हो स्कूल का वो भी मैं करता हूँ। जैसे क्लरिकल का काम हो या इधर उधर जाना हो, कोई भी काम हो वो मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को रिप्लाई मिल गया। अब जो सेकंड था, इस मशीन के लिए बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, जो आईब्रो मशीन है। और जो सेल है ना वो मंगवाया था मैंने इसका, लेकिन वो मिला नहीं। ये गए थे एक दिन लेकर के, बोले कि दिल्ली से सेल आएगा, वो अभी नहीं आया। वो ये नहीं पता भी महीने में आएगा 2 महीने में आएगा, क्योंकि इनके पीछे पड़ करके फिर ऐसी चीजें मंगवानी पड़ती है। तो इसमें सेल डलेगा जब ये चलेगी, और तभी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ भाई कैसा काम करती। बाकी कुछ लोगों ने लिखा था कि दीदी सही नहीं है, मतलब कि ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, या फिर जैसे जो आड़ से जो है ना, मतलब एयर है हमारे बाल हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका भाई, कैसी है कैसी नहीं है। बाकी मैंने देखी थी तो मैंने सोची कि चलो ले लेते हैं, यूज करके देखते हैं। कुछ मना कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी हमने यूज कर ली है, ठीक है। ये तो थी इसकी। बाकी हाँ, जब भी इसके अंदर जो सेल है वो डल जाएगा, उसी टाइम पे मैं आप लोगों के साथ इसका जो रिव्यू है वो जरूर करूंगी, ठीक है। ट्राई करने के बाद ही देखो बता सकती हूँ, अब मैं बिना ट्राई करे क्या बताऊँ आप लोगों को। और ये वही चारकोल है, ठीक है। इसके लिए भी आया था कि आप जो चारकोल है वो कैसा काम करता है। तो भाई इसका जो मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। आप लोगों ने देखा होगा 2-3 बार मैं मंगवा भी चुकी हूँ। ये नहीं भी मैं कोई इसकी प्रमोशन कर रही हूँ, नहीं, सिर्फ कमेंट आया था। अनु नैन थी शायद एक सब्सक्राइबर उसका, तो उसने पूछा था इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। चेहरे की गंदगी है ना साफ हो जाती है, और लगता है हमें भाई हाँ जब हम इसको उतारते हैं कि भाई निखार सा आ गया है। तो एक था ये, और अभी एक था दुपट्टे वाला, कि ये दुपट्टा है ना उसको खोल करके दिखाना। तो भाई ये इस जैसे एक कोने पे ना ये मोरनी है वो बनी हुई है, हर बार आदमी का दिल दुखाना जरूरी को नहीं होता। यहाँ पे ये है, और एक मोर ये है, एक मोर वो है, मतलब बहुत ही अच्छा है ना, कलर बहुत है इसमें, ठीक है ना। और इसी तरह से ये जो मोर है वो बने हुए हैं देखो, और एक मोर ये है और एक मोर यह है। जीजू इतने शरीफ हैं, जीजू भाई जिसके है ना उन्हें ना पता जीजू कितने शरीफ हैं। दूसरे सबके शरीफ लाग गए, मैंने भी दूसरे के आदमी शरीफ लाग गए, पर के करा बात, बात है। इब आदमी है जिसा भी है, उसने सरा ले बिसरा ले, रहना तो उसे का है, बदल तो सकता नहीं। इब सासू है, उसने चाहे सरा ले चाहे बिसरा ले, लोगों का आगे इब सासू तो वाह रहेगी, दूसरी तो है नहीं भी, दूसरी बदला कर लेंगे ले। वो तुम्हारे ऊपर भी है भाई, हमारे छोटी छोटी बात ना, मतलब उनकी मैं बता रहे हैं ना बता रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं है। देखो कमियां मेरे अंदर भी हैं, कमियां इनके अंदर भी हैं, कमियां सबके अंदर हैं। देखो जी इंसान गलती का वो है। हम उसकी कमी बता रहे हैं, उसके गुण बता रहे हैं भाई, वो अगले के ऊपर निर्भर है, ठीक है। और मैं ये सोचती हूँ अब, क्योंकि जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं 3 साल से, हमारे व्यूज बहुत कम है उस हिसाब से, क्योंकि लोग 6-6 साल में इतने वायरल हो जाते हैं, 6-6 महीने में, 6-6 साल में। वो क्या होता है ना, वो एक दो आदमी अपने घर का ऐसा पकड़ लेते हैं कि बार बार उसकी जो चीजें हैं ना वो लोगों के आगे बताते हैं, लोगों का इंटरेस्ट इन्हीं चीजों में बढ़ता है। जैसे मैं सास को अगर अच्छे उससे ना दिखा करके उससे दिखा देती, लोगों को मेरे में इंटरेस्ट आता है ना। अपने आदमी की मैं बुराई कर देती, लोगों को मेरे अंदर इंटरेस्ट आता। बिल्कुल काम वही थे, लेकिन क्या है ना हम अच्छी चीज को देखना ही नहीं चाहते। अब मैं अपने परिवार को साथ लेकर के चल रही हूँ, मैं इनकी अच्छाई बता रही हूँ बुराई ना करके, तो उस चीज को कोई देखना पसंद नहीं करता। अब मैं इनकी बुराई करने लग जाऊं, ये मैं आदमी है वो है मैं हूं, वही काम है, मैं लोग आवेंगे लेकिन उस चीज ने देखेंगे। तो यह बात है, इब कुछ लोग शुरू है तो इसी रग पकड़ ले हैं भाई, हाँ इस चीज का मैंने तीसरा दिन मुद्दा बनाना है, ननंद आगी सासू आएगी, पड़ोसी हो गया, कोई और हो गया, फलाना हो गया, दिकड़ाना हो गया, कुछ भी ओवर ना भी हो, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ड्रामा होता है वो। मैं बताऊं रियल में ड्रामा ही होता है।
तो ये तो थे भाई वो, और एक आ रहा था भाई आपने अपना जो फर्श था पता है वो जो सीमेंट है ना वो क्या गल उतारी थी, तो भाई हमने तो उतारी थी जोर लाला के वाह जो स्टील वूल होगा उस गल्ला भी, और क्या गल उतारी थी पत्ती थी में है ना मिस्त्री ने बताया था ना वो ही बताया था जो अपन टाइल साफ करने का लिया रहे हाँ, हाँ, था वो रूफ रूफ हाँ पीली लाइट लेके आई हुई परिवार बोतल प्लीज इसमें रखी वॉश बेसिन वाली अलमारी में, मैं भाई दो लेके आए थे और वहां मेरी आधी खत्म हुई है, डेढ़ तो नुक्की नू रखी है पे, क्योंकि उसने पता क्यों हुआ है उसने ना जलाट हुआ सारी चीजें में हाथा पे भी पैरों पे भी मुंह पे भी, और बहुत अगर आप करो ना उसके लिए साफ तो पूरा अपना मुंह कवर करके अपने हाथों ने बचाइयो, फुहारा वगैरह लगाते टाइम उसने पानी में घोल के आप जब भी लगाओ, यो ना है भाई आप बिल्कुल भी ये मत करना कि हाँ आप ऐसे ही उसको लगा दोगे या मुंह पे कुछ नहीं लग गया, क्योंकि जलन इतनी होती है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा, और इसी वजह से मैं यूज नहीं कर रही हूँ उसको, वैसे ही साफ हो जाते हैं जरूरत ही नहीं है, नीचे रखी है नीचे लगा ला उसमें खाना में, तो इस वजह से हाँ। लेकिन आपकी इमरजेंसी अभी नया नया आपने लगवाया तो वो आप करें ना पूरी उसके साथ करें सेफ्टी के साथ, ये है जी रूफ, ये है थोड़ा सा वो दिख नहीं होगा लेकिन ये पीडी लाइट कंपनी है और रूफ है ये हाँ। सीरा क्लीन स्पेशल होता है ये रैपिड एक्शन टाइल एंड क्रेमिक क्लीन, फ्रंट कैमरा है ना फ्रंट कैमरे से उल्टा दिखता है फोटो हाँ। लगा दूंगी, और एक तो सेफ्टी के साथ मतलब करें, और दूसरा क्या है इसका कि जो स्टील की चीजें ना आपके नल है ठीक है ना आपकी सिंक है उन पे छिट्टा भी ना पड़ने दे इसका, क्योंकि जला देगा बिल्कुल ब्लैक हो गए, मैंने ये गलती करी थी मैंने ना जो ये है फुहारा वाली बोतल में डाल के सिंक में और उसके ऊपर भी लगी फिर वो नाली मतलब जो टूटी हो हमारी बिल्कुल ब्लैक होगी सिंक भी और वो भी, और इतनी रगड़ी फिर मैंने नींबू के साथ पता नहीं किस किस के साथ कौन कौन से तरीके मैंने नहीं अपनाए, लेकिन वो सिंक मेरी अब साफ हुई है जा करके, और जो ऊपर वाली टूटी है ना क्योंकि सिंक में तो ये है ना सारा दिन हम बर्तन साफ करते हैं साबुन लगती रहती इस वजह से, और जो टूटी है ना उनमें तो अभी भी कहीं कहीं पे तो छिट्टे अब भी है, तो ना अगर आप रूफ यूज कर रहे हैं ना तो दो चीजों का बहुत ध्यान रखें, एक तो अपना चेहरा पूरी तरह से कवर कर लें हाथों में भी कोशिश करें कम से कम लगे ना ही लगे, और एक जो स्टील की जो चीजें है क्योंकि भाई देखो हम टाइल साफ कर रहे हैं जैसे हम रसोई का काउंटर टॉप साफ कर रहे हैं रसोई के पे ऊपर जो टाइल लगी हुई है मैं साफ कर रहे हैं, तो उसका भी हमने सोचा वो फुहारा सारा लग जाए, सिंक पर तो हमने भी नहीं मारा था लेकिन वो लग गया था क्योंकि उस पर मारा ना टाइल पर तो वो नीचे आ गया था वो क्या ठीक है ना, तो इस वजह से तो एक यह चीज है, और एक कमेंट बार बार यू आवा है भाई जब आप कुछ भी खाना बनाओ तो आप जो खिड़की है उसने खोल लिया करो, तो खिड़की मैं इस करके नहीं खोल दी क्योंकि बार इन्होंने जो ग्रीन नेट लगा रखी है ना वह बिल्कुल नीचे तक लगा दी, और मैं इन्हें कह रही थी कि ऊपर ऊपर लगा दो कील, लेकिन कील इन्होंने नीचे तक लगा दी, तो इनमें जो है ना निकालने पड़ेंगे दो तीन मन नीचे के तब जाके मैं खिड़की खोल सकूं ताकि उसने ऊपर टांगी और मैं खिड़की खोल सकूं, तो ये रीजन थे कि मैं खिड़की नहीं खोल पा रही, और भाई जो रह गए उनका रिप्लाई फिर करांगे क्योंकि वीडियो हो गया लंबा ठीक है, अगर किसी ने और कोई बात पूछनी हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख दियो आप लोगों के लिए, फिर वीडियो में हम वो बता देंगे आप लोगों को ठीक है, तो चलो फिर बाय बाय टेक केयर।